मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम था 7 और 8 तारीख को। एज यू नो, आपको पता ही होगा 7 तारीख वाला एग्ज़ाम मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाला दोनों ही एग्ज़ाम हो चुके थे, लेकिन 8 तारीख वाला एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू द लीक। और मतलब काफ़ी बड़े पैमाने पर ये चीज़ हुई थी कि आपका पेपर जो है बाहर आउट हो गया था, हर कैंडिडेट के पास पेपर था। और ये अच्छी बात हुई है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है, बिकॉज ऑफ अगर पेपर कैंसिल नहीं होता यहाँ पे तो हाई जानी थी कट ऑफ 110%। और यहाँ पर अब आपके एग्ज़ाम को लेकर HSSC के जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खदरी, उन्होंने क्या कहा है, आपका एग्ज़ाम कब तक होगा, आपकी फ़िज़िकल की डेट चेंज होगी या नहीं होगी, या आपकी भर्ती कब तक होगी, इस मामले में बात करी जा रही है इस वीडियो में। तो चलिए मूव करते हैं एक बार अपनी अपडेट के साथ। यहाँ पे देखिए, फिजिकल से पहले दोबारा से पुलिस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी, परीक्षा की तैयारी, दूसरी परीक्षाओं का बदलेगा शेड्यूल। आपको पता है कि SI का पेपर भी इसी महीने है, 28 अगस्त का पेपर है। उसके बाद कमांडो, उसके बाद नहीं सॉरी, इसी महीने में 13 तारीख से कमांडो विंग जो हरियाणा की तरफ से रिक्रूटमेंट मांगे गए थे, उन लोगों का फिजिकल भी है, उसके बाद उन लोगों का एग्ज़ाम है, उसके बाद SI का फिजिकल है, उसके बाद ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम है। इसी बीच क्या बोला है कि भाई 40,000 पदों को लेकर अलग अलग परीक्षाओं का शेड्यूल कर चुका है जारी। हरियाणा पुलिस की सिपाही भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अब HSSC ने दोबारा से इस परीक्षा को कराने को लेकर माथापच्ची में जुट गया है। आयोग हर साल में परीक्षा को पहले से ही निर्धारित फिजिकल डेट से पहले कराने की तैयारी में है। मतलब उनको जो आपका फिजिकल डेट का जो इन्होंने पहले ही शेड्यूल डाल दिया था, उससे पहले पहले आपकी एग्ज़ाम जो है ले लिया जाएगा। आयोग का कहना है कि इसके लिए 2 से 3 अन्य परीक्षाओं के शेड्यूल में बदलाव हो सकता है और जल्द ही परीक्षा के लिए नया शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। 40,000 पदों को लेकर अलग अलग परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो चुका है, इसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक की तिथि है। हरियाणा पुलिस में 7,298 सिपाही पदों के लिए 7 और 8 को परीक्षा हुई थी और परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि आपका काफ़ी बड़े पैमाने पर जो पेपर जो है वो लीक हुआ था। इधर सिपाही पद के लिए पहले से 28 सितंबर से 6 अक्टूबर फिजिकल टेस्ट की जो डेट थी वो आ चुकी है। ऐसे में आयोग का मानना है कि इससे पहले दोबारा परीक्षा को कराया जाए। मतलब आपका सितंबर के पहले वीक में या सितंबर में आपका पेपर, होप्स हो, बहुत चांसेस हैं हो जाएंगे। सिपाही पद के लिए प्रदेश के 8,39,000 युवाओं ने आवेदन किया है, तो आवेदनकर्ताओं की संख्या कम है। जब आयोग ने इस रणनीति पर काम कर रहा है तो पहले से जारी किए जा चुके दूसरे विभागों के पदों वाली परीक्षा का शेड्यूल फिर से पुलिस परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाए। हालांकि यह आसान नहीं है, आयोग ने फिर परीक्षा कराने को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। मतलब फरवरी में ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ था और दिसंबर में डेट मिली थी, और जल्द ही आपको यहाँ पर पुलिस की भर्ती के रिगार्डिंग आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है। ये एक अपडेट थी आपके एग्ज़ाम को लेकर। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।